तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक कंडक्शन, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए हमने आपको बताया है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब कंडक्टर्स में ट्रेवल करते हैं विद वेरी स्मॉल वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो इलेक्ट्रिक करंट बनती है। तो फ्लो और इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है कितना निगेटिव, कितना -1.6 -10^-19 कूलम। तो करंट क्या है, तो यहाँ पर देखिए करंट आई इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आई इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी, डी क्यू चार्ज, डी टी टाइम में फ्लो करे तो डी क्यू ओवर डी टी, इसको डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, लेकिन लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो करो तो इसका इंस्टेंटेनियस करंट आ जाएगी और वो इंस्टेंटेनियस करंट आई इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी होता है। इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, बाकी हाई स्कूल में हैं क्यू अपॉन टी वाले, यहाँ इंटरमीडिएट में हम आपको हाई ऑर्डर के न्यूमेरिकल बताएंगे। पहला न्यूमेरिकल ये देखिए, इफ़ क्यू इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, एक क्यू इज द फंक्शन ऑफ टाइम, तो आपको निकालना है फाइंड द करंट एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड एंड एवरेज करंट फ्रॉम टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 2 सेकेंड। इसका सोल्यूशन देखिए, आई इक्वल टू डी क्यू और डी टी, डिफ्रेंशिएट करो तो 2t और प्लस 4, 5 क्या क्या हो जाएगा 0। अब एट टी इक्वल टू 3 इसमें टी की जगह 3 लिख दो तो 6, ये 10 एम्पियर आ जाएगा, करंट 10 एम्पियर आ गया। अब आपको निकालना एवरेज करंट, एवरेज करंट इज इक्वल टू क्यू टू माइनस क्यू वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, और क्यू टू मतलब 2 सेकेंड पर आपको निकालना है तो 17 और 0 से चलना है तो -5, टी की जगह 2 लिख दो, टी की जगह बाद में 0 तो क्यू टू माइनस क्यू वन अपॉन टू तो 12/2 6 एम्पियर एवरेज करंट आ गई। आप क्वेश्चन नंबर बी पार्ट इसका, ये आपका हो गया ए पार्ट। अब बी पार्ट, आई इक्वल टू क्यों नहीं दिया, आई इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 यानी करंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, तो आपको निकालना है कि टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन बिटवीन 0 और 3 सेकेंड, 0 और 3 सेकेंड के बीच कितना टोटल चार्ज फ्लो कर जाएगा और कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाएंगे, यही सब पूछा जाता है। तो Q इज इक्वल टू आई डी टी का इंटीग्रल, आई डी टी का इंटीग्रल देख लो, आई डी टी का इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रल पूरा बता देता है, सम कर देता है, जोड़ देता है। तो लिमिट कहाँ है 0 to 3, आई की वैल्यू लिख दो टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर का इंटीग्रल कितना होता है टी क्यू अपॉन 3 और 1 का कितना होगा ये डी टी है, दिस इज डी टी, डी टी तो 1 का हो जाएगा टी, तो इसकी वैल्यू निकालो टी की जगह 3 लिख दो तो ये आपका आएगा 12 - 0 = 12 कूलम, 12 कूलम चार्ज आ जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन इक्वल टू क्यू अपॉन ई, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है यहाँ पर Q को निकालिए, Q इक्वल टू 0 to 3 आई डी टी, आई की वैल्यू लिख दो टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी, यहाँ पर ये डी टी है, दिस इज डी टी, दिस वन इज डी टी, ये डी टी है और इसी से आपने निकाला टी क्यूब अपॉन 3 1 का ये डी टी का टी हो जाएगा और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, बहुत सिंपल है, 12 कूलम आ जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना तो n इक्वल टू q अपॉन e, 12/1.6 10^-19
तो ये आएगा 7.5 10 रेज पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स।